तो दोस्तों यहाँ पे मैं वैगन आर के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पे पहले आप जो इसकी की है वो आप देख लीजिए। तो आपको रिमोट कीज़ मिलती हैं, तो यहाँ पे जो अलार्म की बटन है वो आपको दिखा देते हो, तो उसको कैसे यूज़ करना है पहले वो आपको बता देता हूँ। तो आपको ये 4 बार प्रेस करनी है, उसके बाद 5वीं बार आप इसको दबा के रखोगे साउंड आता है, और आपका जो लॉक बटन है वो भी आपको साथ में प्रेस करना है, तो आपका जो अलार्म है वो इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे जो इग्निशन है उसको ऑन कर लेते हैं, इसको ऑन कर लेते हैं। ये मैंने इग्निशन ऑन कर दिया है गाड़ी का, इसको थोड़ा सा अब यहाँ पे चलने देते हैं और फिर इसको बंद कर देते हैं। अब जो बटन है उसको टैप करते हैं 4 बार कॉन्स्टेंटली, तो 1 2 3 4 5 ये मैंने दबा के रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो लॉक बटन है वो मैंने प्रेस कर दिया है, और आपका जो अलार्म है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है। जो साउंड आया इसका मतलब कि अलार्म एक्टिवेट हो गया है। अब चलते हैं बाहर और इसको बंद कर देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको इनेबल होने में। तो दरवाज़ा लॉक कर देते हैं यहाँ पर, और जो इसका लॉक इसको इनेबल होने देते हैं। जैसे इनेबल होता है आपके पास मैं वापस आता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो अलार्म था वो मैंने अंदर से इनेबल कर दिया था। मैंने आपसे बोला था कि अराउंड 10-15-20 सेकंड लगते हैं इसको इनेबल होने में, चालू होने में, और अब ये कैसे काम करता है आप ये देख सकते हो। यहाँ पे गाड़ी का भी आपकी अगर बाहर खड़ी हुई है, आप बाहर पार्किंग करते हो, तो कोई आपकी गाड़ी अगर टच भी करता है या कुछ छूता है, जैसे ये देखिए यहाँ पे, तो आपकी गाड़ी ये साउंड करने लगी है यहाँ पे। आप मैंने इसको टच किया, साउंड किया, ऐसे ही आपका जो टायर है ये मैंने टैप किया, कोई भी करता है तो ये गाड़ी आपकी साउंड करने लगेगी। और ये बंद कैसे होगी ये आप देख सकते हो, ऑटोमेटिक थोड़ी देर बाद बंद हो जाती है, फिर से कोई करेगा, मान लीजिए कोई भी छिड़काव नहीं करता आपकी गाड़ी से, ये देखिए आप, तो यहाँ पे ये साउंड करने लगता है और बहुत तेज़ साउंड आता है। जब आपका टायर कोई टैप करता है तो ज़्यादा तेज़ आता है, और जो अपर बॉडी है वो कोई करता है तो भी आप देख सकते हो उतना ही साउंड लगभग आपको यहाँ पर मिल जाता है। और गाड़ी आपकी बहुत बढ़िया, तो आपकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी यहाँ पे जो डोर हैंडल्स हैं उसमें ऐसा कुछ भी नहीं, यहाँ पे ये कुछ भी साउंड नहीं करता है। टायर्स हो गया, ये आप देख सकते हैं जो टायर आपका है इसमें आपका साउंड करेगा। ये फिर से दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं टायर हो गया आपका। इसके अलावा जो बॉडी पीछे भी चेक कर लेते हैं, पीछे वाली बॉडी भी आप टैप करोगे तो भी काम करेगा। तो पूरा आपको प्रोटेक्शन यहाँ पे मिलता है, जैसे कि आपके टायर्स हो गए, आपकी बॉडी हो गई, हर जगह पर ये काम करेगा। अब यहाँ पे मैंने आपको इसकी फंक्शनिंग दिखा दी है, 10 से 15-20 सेकंड लगते हैं आपको इसको इनेबल होने में। गाड़ी आप कहीं भी कोई टच करता है, आपका टायर टैप करता है, बॉडी पे मारता है, तो आपकी गाड़ी साउंड करने लगेगी, तो सिक्योरिटी के लिए बहुत बढ़िया है ये। अब यहाँ पे चलते हैं अंदर और इसको डिजेबल कैसे करना है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो गाड़ी मैंने यहाँ पे खोल ली है, चलते हैं वापस यहाँ पे और इसको अब डिजेबल कैसे करना है वो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो गाड़ी का इग्निशन है वो ऑन कर लिया है, ये मैंने गाड़ी यहाँ पे ऑन कर दी है, अब इसको कर देते हैं बंद। तो प्रोसेस पूरा आपको रिपीट करना है, आपको दोबारा से वही काम करना है। गाड़ी बंद हो गई है, 4 बार टैप करके, 5वीं बार दबा के, और आपको लॉक बटन दबा देनी है। 1 2 3 4 5 ये मैंने दबा के रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे जो लॉक बटन है वो मैंने प्रेस कर दी है। का जो जो आपका हो सकते हैं एंटी थेफ्ट अलार्म है वो डिजेबल हो गया है। अब मैं यहाँ पे गाड़ी फिर से लॉक कर देता हूँ, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि जो अलार्म है वो डिजेबल हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो आपको दिखा देते हैं। तो आप फिर से यहाँ पे जब टैप करूँगा मैं, तो ये आप देख सकते हो अलार्म डिजेबल हो गया, वो काम नहीं कर रहा है। चाहे आप इसके जो टायर्स हैं वो भी आप देख लीजिए, ये मैंने टैप किया है। पहले आप जब अलार्म आपका इनेबल था तो आप टैप कर रहे थे कहीं पे भी, और आपका जो अलार्म था वो काम कर रहा था। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको पूरी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि कैसे आपको इसको इनेबल करना है, कैसे डिजेबल करना है। बाकी कोई क्वेरी होती है तो वो आप नीचे मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, उसको मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब तक लिए दोस्तों देखते रहिए ज्ञानी इनफ, लेकर आता रहूँगा और वीडियोज़ आपके लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।